guys, welcome to our channel. आज हम बात करेंगे MS Word में जो home tab है उसके अंदर कुछ options होते हैं उनके बारे में. अब इसमें सबसे पहले हम कोई शब्द select कर लेते हैं text. जैसे first हमने sentence को select कर लिया. सबसे पहले लिखा था be. Be का मतलब होता है यहाँ पे bold करना. ठीक है, अब simply जब हम sentence select करके be पे press करेंगे हमारा वो पूरा sentence bold में हो जाएगा. Mostly headings को bold करने के लिए ये काफ़ी helpful होता है. मतलब हम कोई भी चीज़ ज़्यादा elaborate करना चाह रहे हैं जो सही वाजे तरीके से नजर आए तो उसके लिए मोस्टली ये बोल्ड किया जाता है टेक्स्ट को. अब कीबोर्ड हमारा जो है उससे हम कंट्रोल और बी इन दोनों कीज को प्रेस करेंगे तो उस तरह भी हम अपने सेंटेंस या टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं और दोबारा इसी से हम इसे अनबोल्ड भी कर सकते हैं. तो इस तरह हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं. अब सेकेंड है हमारा इटैलिक. ये जो आई लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इटैलिक. सिंपली हम अपना कोई सा भी यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं. जैसे यहाँ पर हमने एक पूरी रो सेलेक्ट की है तो अब जैसे ही हम आई पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी पूरी रो जो है वो इटैलिक में हो जाएगा. इटैलिक में मीन्स थोड़ा से टेढ़े वर्ड्स हो जाएंगे. अब जैसे ही हमने इटैलिक आई पे क्लिक किया तो ये पूरा हमारा इटैलिक में कन्वर्ट हो गया. मोस्टली जो कोटेशंस होती हैं मोस्टली कोर्स वगैरह कोटेशंस पे इटैलिक में लिखी जाती हैं. और अगेन अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और आई की इन दोनों को प्रेस करेंगे तो उस तरह से भी हम इसे इटैलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहीं से हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं, सिंपल में भी कर सकते हैं. अब थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे अंडरलाइन का. अंडरलाइन बेसिकली किसी चीज़ को हम अंडरलाइन कर सकते हैं. अब यहाँ पे इसमें ड्रॉपडाउन मेन्यू है साथ इसके इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं अंडरलाइन के तो इनको हम बारी बारी चेक करेंगे. इसके लिए सिंपली हमने क्या किया, कोई सी भी यहाँ से लाइन सेलेक्ट की. यहाँ फॉर एग्जाम्पल हमने लाइन सेलेक्ट कर ली और इसे अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी पूरी लाइन अंडरलाइन हो जाएगी. अब हम चाह रहे हैं इस लाइन को थोड़ा बोल्ड करना तो उसके लिए दोबारा उसके साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है छोटा सा बना हुआ, उस पर क्लिक करेंगे. जैसे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे. डबल मतलब आपको लाइन चाहिए, मतलब अंडरलाइन करने के लिए बोर्ड में थोड़ी चाहिए, डॉटेड में, डैश्ड में, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं. इनको भी हम चेकअप कर सकते हैं. बट जो नॉर्मली यूज़ की जाती है ना वो इसमें थर्ड पे है, थोड़ी सी बोर्ड हुई अंडरलाइन, उसी को नॉर्मली यूज़ किया जाता है, बाकी नॉर्मली यूज़ नहीं होती. एज प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो प्रोफेशनल में भी और नन के ऑप्शन से हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं. अब दोबारा से हम उसी पे क्लिक करके इसे अनअंडरलाइन भी कर सकते हैं. अब इसके बाद इसमें फर्दर ऑप्शंस होते हैं, हम अपने कीबोर्ड से भी कंट्रोल यू प्रेस करके भी इसी को अंडरलाइन कर सकते हैं. कीबोर्ड से कंट्रोल यू दोनों कीज को प्रेस करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा और इसी से हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं. अब दोबारा इसमें कुछ और फर्दर ऑप्शंस हम देख लेते हैं. इसमें मोर अंडरलाइंस का ऑप्शन होता है, उसमें डिफरेंट हम सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं. ये पूरा एक डायलॉग बॉक्स आ गया, इसमें डिफरेंट सेटिंग्स हम उसकी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से. अब इसमें लास्ट ऑप्शन होता है कलर्स का. जो अंडरलाइन हमने किया है उसको हम कलर भी दे सकते हैं. अब यहाँ पर हम चेकअप कर सकते हैं, लास्ट भी है अंडरलाइन कलर. यहाँ डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, हम अपनी अंडरलाइन को कलर दे सकते हैं. बट नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है वो ब्लैक ही अंडरलाइन किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को. कोई भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है तो उसे ब्लैक में ही अंडरलाइन किया जाता है. हम जस्ट टेलिंग कि किस तरह हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं. अब इसके बाद इसके साथ ही एक ऑप्शन है हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दो वर्ड सेलेक्ट कर लिए डिफरेंट गैलरीज का. तो अब ऊपर ये ऑप्शन है स्मॉल लेटर्स में ए बी सी लिखा हुआ आपकी लाइन थोड़ी हुई है. मोस्टली कोई डॉक्यूमेंट में हमारा वर्ड गलत हो गया, कोई सेंटेंस गलत हो गया तो इस पर क्लिक कर देते हैं ये इसकी लाइन आ जाती है. मतलब इसको कंसिडर डॉक्यूमेंट में नहीं किया जाता और दोबारा से हम इसे यहीं से रिकवर भी कर सकते हैं. ये इसलिए इसका फ़ायदा होता है कि दोबारा हम उसी चीज़ को रिकवर करना चाह रहे हैं तो उसी को रिमूव कर देंगे लाइन को तो वह हमारा वही डॉक्यूमेंट का दोबारा पार्ट बन जाएगा. और जब ऊपर लाइन आ जाएगी थोड़ा क्रॉस हो जाएगा तो इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है. तो ये भी कम ही इसका यूज़ किया जाता है, नॉर्मली इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता. अब सिमिलरली इसके साथ ही ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का. ये बेस टू नीचे आ जाती है और एक में बेस टू ऊपर चली जाती है. मोस्टली मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह या कोई केमिस्ट्री के फार्मूलाज इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनमें ये बेस वगैरह काफ़ी हेल्पफुल होती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे हमने ले लिया H2SO4, ये केमिस्ट्री का फार्मूला है. अब हम चाह रहे हैं तो जो 2 पावर है जस्ट 2 H के वो बिल्कुल नीचे उसकी बेस बन जाए. ठीक है, यहाँ पे ये सेकंड H के साथ ही लिखा हुआ है 2 पावर, तो वो उसे हम H के बिल्कुल नीचे उसकी बेस बनाना चाह रहे हैं कि बेस उसकी बन जाए नीचे वो बिल्कुल चला जाए. तो उसके लिए सिंपली हम 2 को सेलेक्ट करेंगे एंड देन ऊपर ही जो हमने ऑप्शन देखा था X की पावर लिखा हुआ है छोटा सा नीचे की तरफ, ठीक है, उस पर क्लिक कर देंगे. जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये H के 2 नीचे चला जाएगा बिल्कुल.
simply for ko bhi humne isse tarah select karenge usse pe click karenge to ye hamara proper chemistry ka formula aa gaya is tarah hum isko use kar sakte hain ab second example hum ek aur le lete hain jaise yahan pe humne ek example le liya hai 2 or 4 aur yahan pe 2 or 4 le liye ab hum chahte hain ki 4 2 ki upper power ban jaye upper ke side wali ka vaadit chhota sa to simply 4 ko select karenge अब यहाँ पे एक है x की पावर 2 ऊपर की तरफ को लिखा हुआ है इसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वो हम देख सकते हैं 4 2 के ऊपर चला गया इस तरह से हम सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं और बाकी ऑप्शंस को आज हमने देखा फर्दर हम इसमें कुछ और नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सो इस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं एमएस वर्ड पे इजीली थैंक यू